हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो है, बिकॉज आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि हमारी ट्रेनिंग होती है कैबिन क्रू ट्रेनिंग। जैसे कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करते हैं, सो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में हमारी एक ग्रूमिंग ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें हमें हेयर मेकअप इन सब के बारे में बताया जाता है। सो आज मैं शेयर करूंगी मेरा जो ग्रूमिंग ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था उसके बारे में। सो जब मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया था इंडिगो के साथ में, सो उसके बाद में मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक हमें कंप्लीट करना होता है, देन हमें ऑफर लेटर मिलता है, हमें ज्वाइनिंग डेट मिलती है। फर्स्ट डे हम जाते हैं, सो फर्स्ट डे जो था हमारा वेलकम डे था, जिसमें हमारा वेलकम किया गया था। तो सेकेंड डे जस्ट वेलकम डे के बाद में हमारा ग्रूमिंग का रिव्यू था, ग्रूमिंग डे था, जिसमें हमें हमारे जो ट्रेनर थी उन्होंने हमें बेसिक बता दिया था कि इस कंपनी के जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, नेल पेंट वगैरह आपको कैसे लगानी है, आपको हेयर कैसे बनाना है, जो आपकी रेकमेंडेड हेयर स्टाइल्स हैं, रेकमेंडेड मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्या क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट डे था उसमें हमारे ट्रेनर ने हमें सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो बता दिए थे कि आपको सिर्फ यही प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, 3-4 ब्रांड्स हैं जो आप इनमें से किसी भी ब्रांड को बाय कर सकते हैं जो आपको फेस को सूट करे, राइट। सो जो हमारा फर्स्ट ग्रूमिंग डे था उसमें हमें ये सब बताया गया, देन हमें 1 वीक का 2 वीक का टाइम दिया गया ताकि हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को खरीद लें। उसमें हम हमारे ट्रेनर से ये भी पूछ सकते थे कि हम मेरी स्किन इस तरह की है तो मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, मुझ पर कौन सा फाउंडेशन सूट करेगा। देन हमारा जो सेकेंड ग्रूमिंग डे था जिसको हम बोलते हैं सैलून वन में एक्चुअली क्या होता है कि हमें विदाउट मेकअप जाना होता है, एंड हमारी जो ट्रेनर थी वो किसी भी एक कैंडिडेट पे पूरा मेकअप एंड हेयर स्टाइल बना के दिखाएगी। तो हमें सीखना था कि वो किस तरह से मेकअप कर रही है, एंड नेक्स्ट डे से हमें भी उसी तरह से आना था बिकॉज हमने प्रोडक्ट्स भी सारे बाय कर लिए हैं, राइट। सो उस दिन हमें विदाउट मेकअप के आना था एंड हमें सीखना था ज्यादा से ज्यादा कि हमारे ट्रेनर्स कैसे मेकअप वेकअप यूज करते हैं, बिकॉज 12th के बाद में हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि जो लाइनर भी सही से नहीं लगा सकते, मेकअप उनके लिए एकदम न्यू होता है तो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, बट जो ट्रेनर्स हैं बहुत ज्यादा स्वीट थे, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, तो वो आपको कुछ टाइम देते हैं, राइट। सैलून फर्स्ट के बाद में हमारा सैलून सेकंड था जिसको हम फर्स्ट ग्रूमिंग रिव्यू भी बोलते हैं। अब हमने सब कुछ सीख लिया है, अब हम उसको रोज रोज अप्लाई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, तो अब वो ये चेक करते हैं कि हम लोगों को हमें खुद मेकअप वेकअप सब कुछ हेयर स्टाइल वगैरह बनाना है, अब वो चेक करेंगे कि हमने क्या गलतियां की हैं। सो जो ग्रूमिंग रिव्यूज थे वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल थे बिकॉज उसमें ये होता था कि हमारे फेस पे जो पिंपल्स हैं वो हमें कैसे भी करके कंसील करना है अच्छे से। इस तरह से वो हमें रेकमेंड करते थे कि आप सबसे पहले जो ग्रीन वाला कंसील करेक्टर है वो यूज करें, देन ब्राउन वाला करेक्टर यूज करें, देन उस पर आप कंसीलर यूज कर सकते हैं, तो उससे वो कम्प्लीटली लाइक एकदम खत्म हो जाता है, लाइक दिखता भी नहीं है पिंपल, राइट। सो इस तरह से किसी के पिंपल्स है, किसी के स्कार्स वगैरह है, उनको हाइड कैसे करना है अच्छे से वो हमें बताया जाता था, एंड हमें वो पहले से सिखाते थे कि आईज के ये रेकमेंडेड लुक्स हैं तो आपको ये रेकमेंडेड लुक्स को ही आपको यूज करना है। सो फर्स्ट वाला जो ग्रूमिंग रिव्यू था काफी ज्यादा अच्छा था, मैं आपसे पिक्चर्स भी शेयर करती थी। हम सारी जो हमारा बैचमेट था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ करता था, बट साथ में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी था, तो हमें 3rd या 5th फ्लोर पे जाके लाइन बनानी होती थी, एंड 1 by 1, 2 by 2 हमारे जो ट्रेनर थी सबको बुलाती थी, सबको फीडबैक देती थी कि आप इस चीज पे वर्क कर सकते हैं, आप इस चीज पे वर्क कर सकते हैं। वैसे हमारा सेकेंड ग्रूमिंग रिव्यू भी हो गया, एंड 3rd ग्रूमिंग रिव्यू होता था वो भी सेम इसी तरह था, बट उसमें हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ग्रूमिंग की क्लासेस थी वो रेगुलर नहीं चलती थी, जैसे आज ग्रूमिंग डे फर्स्ट है आज सेकंड है, ऐसा नहीं हुआ करता था। एक वीक इस वीक में हमारा ग्रूमिंग फर्स्ट था, ग्रूमिंग फर्स्ट रिव्यू, इस वीक में ग्रूमिंग सेकंड रिव्यू, नेक्स्ट वीक में ग्रूमिंग 3rd रिव्यू, ताकि हम जो और ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बीच में भी हम वेल ग्रूम्ड आ सके, तो बीच बीच में वो हमारी ग्रूमिंग को चेक करने भी आते थे क्लास में कि जो कंपनी की रेकमेंडेड नेल पेंट है वो आपने लगाई है नहीं लगाई है, जो एयरलाइंस रेकमेंड करती है ईयर स्टड्स पर्ल कलर के तो वो हमने पहने हैं या नहीं पहने हैं, तो वो ये सब भी चेक करते थे। सो इस तरह से जो ग्रूमिंग 3rd रिव्यू था उसमें हमें ये करना होता था कि लाइक हमें जाना है एंड 30 से 35 मिनट्स में हमें पूरा हेयर एंड मेकअप हमें करना होता था, राइट। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि इंडिगो की जो ब्लू यूनिफॉर्म है उनका सब कुछ टाइट
है, लोगो वोगो सब कुछ ब्लू है, तो वो ब्लू एक्सटेंशन को भी अलाउ करते हैं। आई वॉज सो लाइक, मुझे ये था कि पूरा मुझे ब्लू बनना है, वी हैव टू ब्लीड ब्लू, इस तरह से वो बोलते हैं, लाइक 3 ईयर्स ऑफ ब्लीडिंग ब्लू, 1 मंथ ऑफ ब्लीडिंग ब्लू, इस तरह से मुझे, मैंने 3 एक्सटेंशन बाय किए थे एंड आई यूज टू अप्लाई बोथ द साइड, लेकिन बोथ साइड अप्लाई उसको नहीं करवाता था, उसको एक साइड में ही लगाते हैं। तो एक्सटेंशन से आपको हेयर स्टाइल कैसे बनानी है वो भी मैं सिखाया जाता था। तो थर्ड जो ग्रूमिंग रिव्यू था उसमें हमें कुछ फिक्स टाइम में रेडी होना था, बिकॉज हम फ्लाइट्स के लिए जाएंगे, हमें कभी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स मिलेंगी, कभी लेट मॉर्निंग फ्लाइट्स मिलेंगी, तो उसमें हमें जल्दी से जल्दी खुद को रेडी करना है फ्लाइट के लिए, बिकॉज हम एक एक दो दो घंटे में हम लोग तैयार नहीं हो सकते, तो हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हमें पूरा 3 मंथ्स के लिए पूरा खुद को ट्रेन करना है, खुद को अच्छे से ट्रेन करना है ताकि हम ये सारा मेकअप अच्छे से कम टाइम में कर पाए। तो जो हमारा थर्ड ग्रूमिंग रिव्यू होता था, इसके बाद में हमारा फाइनल रिव्यू होता था। फाइनल रिव्यू हमारे ग्रेजुएशन डे के एक दिन पहले होता था एंड ग्रेजुएशन डे के दिन भी हमारी ग्रूमिंग को चेक किया जाता था। तो उस फाइनल रिव्यू में हमारा ओवरऑल स्किन कैसी है एंड लाइक, जब मैं ट्रेनिंग में गई थी तो आपसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि मेरे पैरों पे काफी ज्यादा डार्क स्कार्स थे, बहुत ज्यादा डार्क स्कार्स थे, मॉस्किटो बाइट्स थे, बट वो टेम्पररी थे। सो मैं मेडर्मा भी यूज कर रही थी, मेडर्मा मैंने यूज किया, देन मुझे उन्होंने बोला कि आपको लाइक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन, लाइक किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट से आपको कुछ लाइक प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा यहाँ पे, बिकॉज हम ऐसे आपको क्लियर नहीं कर सकते। तो 3 मंथ्स तक मैंने लाइक कुछ, उन्होंने मुझे टेबलेट्स वगैरह दी थी, कुछ बहुत सारी क्रीम्स लोशन दी थी जो मैंने अप्लाई किए थे, उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिला। डेली में ही मैंने लिया था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे पड़ा, बट वो ट्रेनिंग में यूज करना था, बिकॉज ऐसे स्कार्स वगैरह के साथ वो हमें क्लियर नहीं कर सकते, पैरों पे मुझे काफी ज्यादा स्कार्स थे। तो जो ग्रूमिंग का हमारा जो लास्ट रिव्यू था वो हमारे ग्रेजुएशन डे से पहले था, उसपे भी हमें काफी सारे फीडबैक्स मिले कि बन एकदम नीट होना चाहिए, यहाँ से हमारे बाल वाल निकले नहीं होने चाहिए, सब कुछ एकदम नीट लगना चाहिए, ग्रेजुएशन डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, तो उस दिन हमें एकदम अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखना है, राइट। सो हमारे पूरे बैच ने जो फाइनल रिव्यू था वो भी क्लियर कर लिया था हम सब ने, एंड ग्रेजुएशन के दिन भी हम एकदम वेल ग्रूम्ड थे, हमें कंपनी के सारे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स हमने यूज किए, सबने अच्छे से हमने ग्रूमिंग करके हम आए थे, काफी ज्यादा मैंने आपसे वीडियोज भी शेयर किए हैं। सो इस तरह से हमारा जो ग्रूमिंग का पूरा मॉड्यूल था वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो सब सारा एक साथ नहीं, ताकि 15 डेज या 7 डेज ग्रूमिंग के हों, बट इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक दिन ग्रूमिंग फर्स्ट रिव्यू है, फिर 7-8 दिन बाद में ग्रूमिंग सेकंड रिव्यू है, इस तरह से हमारी ग्रूमिंग की क्लासेस होती थी। ऑलमोस्ट जितनी भी एयरलाइंस है उसमें यही क्राइटेरिया होता है कि वो हमें मेकअप हेयरवेयर बनाना सिखाते हैं, बट वो एग्जैक्टली सबको करके नहीं बताएंगे, हमें घर पे रोज उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो कोई भी जो नया कैंडिडेट है जिसने कभी भी मेकअप नहीं किया, तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर आप इस जॉब के लिए पैशनेट है तो आपको हमेशा वेल ग्रूम्ड होकर आना अच्छा लगेगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।